की सड़कों पर हर सुबह एक खामोश क्रांति चलती है, जो प्रतीक है किसानों के एग्रोप्रेन्योर में बदलने की। बदलाव के उन अगवा किसानों में से एक हैं विक्रम सिंह हाडा, जो अपने बनाए पनीर की सप्लाई में व्यस्त हैं। इनका पनीर भी खास है, ये सामान्य पनीर नहीं, सोया टोफू पनीर है, जो सोयाबीन के दूध से बनता है। और इस सोया पनीर ने बदली है विक्रम सिंह हाडा की जिंदगी की कहानी। हमारे कोटा में सोयाबीन तो पहले से भी होती थी, क्योंकि हमारे पास जमीन कम थी इसलिए आमदनी हमारी कम होती थी, इसलिए मैं रोजगार की तलाश में भी घूमता था। हमारे कोटा में रोजगार मेला लगा, जहाँ मैंने पंपलेट देखा केबीके का, केबीके उसमें लिखा हुआ था सोयाबीन से पनीर बनाया जाता है, तो मुझे बहुत बड़ी हैरानी हुई। तो मैंने केबीके में जाकर के संपर्क करा, तो मैंने ट्रेनिंग करी वहाँ पर 30 दिन की। उसमें लेडीज भी थी, जेंट्स भी थे, लड़के भी थे, ज्यादा उम्र के भी थे, कम उम्र के, सभी प्रकार के लड़के थे उसमें। ट्रेनिंग के दौरान हम ये कोशिश करते हैं कि जो भी प्रशिक्षणार्थी हमारे यहाँ आए वो बिल्कुल निपुण होकर जाएं। एक विशेषता और है यहाँ के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की कि निशुल्क ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, और ट्रेनिंग के दौरान जो भी इंग्रेडिएंट्स लगते हैं वो भी सेंटर ही प्रोवाइड करता है। हम ये भी जानकारी उनको ट्रेनिंग के दौरान देते हैं कि FSSAI नंबर उनके प्रोडक्ट का फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से किस तरह रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। इस विभाग के अधिकारियों के लेक्चर भी हम कराते हैं, बैंक के अधिकारियों के लेक्चर कराते हैं, ताकि उनको जानकारी मिले कि हम लोन किस तरह से ले सकते हैं। ट्रेनिंग के दौरान हम विशेष तौर से ध्यान इस बात का देते हैं कि गुणवत्तापूर्ण उत्पाद तैयार हो। उसके लिए हम WHO से रिकग्नाइज्ड ही कलर और एसेंस इस्तेमाल करने के लिए उनको प्रेरित करते हैं। साथ ही हम मेजरमेंट बिल्कुल सही होना चाहिए ये बताते हैं, फिर उनको मेजरिंग ग्लास, मेजरिंग स्पून, मेजरिंग कप, उनका इस्तेमाल करना सिखाते हैं, ताकि बहुत प्रिसाइज और सही तरीके से वो अपने प्रोडक्ट को डेवलप करें। जब उनका प्रोडक्ट डेवलप हो जाए तब उसकी मार्केटिंग किस तरीके से हो, उसकी लेबलिंग किस तरीके से तैयार करनी है, पैकेजिंग किस तरीके से होनी चाहिए, जो कि मार्केटिंग की बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। तो हमारा यही उद्देश्य रहता है कि हम किसान को, यूथ को वैल्यू एडिशन सिखाएं, जो भी यहाँ पर उत्पादित होता है उसके वो मल्टी प्रोडक्ट्स बनाएं। तो उन्होंने मुझे वहाँ पर सोया टोफू पनीर बनाना सिखाया और गुलाब जामुन बनाना सिखाया, सोयाबीन के हलवा भी इसका बनाना सिखाया, कचौरी बनाना सिखाया उन्होंने, बिस्कुट बनाना सिखाया, वड़ी बनाना सिखाया इसका, ऐसे बहुत सारे आइटम उनको बनाना बताया। विक्रम सिंह हाडा कृषि विज्ञान केंद्र में एक महीने की ट्रेनिंग लेने लगे, तो वहाँ उन्हें संभावनाओं की एक अलग दुनिया नजर आई। इसमें से मेरे को एक चीज को चुनना था, क्योंकि मेरे जो फसल भी मेरे काम आ जाए और उससे मैं अच्छा बिजनेस भी चला सकूं, वो हमारे यहाँ सोयाबीन थी, तो इसलिए मैंने सोयाबीन के टोफू पनीर को चुना था। तो बस अब जरूरत थी पनीर बनाने वाली मशीन की। कीमत पूछा मैडम से, प्लांट कितने का आता है, तो मैडम बोला आप ये जाओ अम्बाला में इसका प्लांट बनता है, वहाँ जा आप संपर्क कर लो। मैं अम्बाला गया, वहाँ जाकर मैंने संपर्क किया, तो हम लोग वहाँ से 3 लाख का प्लांट लेकर आए। विक्रम सिंह हाडा ने पनीर बनाने के लिए प्रशिक्षण लिया और मशीन भी आ गई, लेकिन बीजों से दूध निकालना और फिर पनीर बनाना थोड़ा अजीब लगता है ना। आइए जानते हैं कैसे बनता है सोया पनीर। स्टार्टिंग में हम पहले क्या करते हैं, सोयाबीन को 5 घंटा गलाते हैं, कि 1 किलो सोयाबीन के अंदर 5 लीटर का पानी का अनुपात रखते हैं, उसको सोयाबीन के साथ पिसाई करके सोया मिल्क तैयार करते हैं। फिर हम बॉईल करते हैं 100 डिग्री टेम्परेचर में, हम उसको दूध को बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद उसको हम टार्ट्रिक एसिड से फाड़ लेते हैं, फाड़ने के बाद रेसा बनता है, उसका पानी बाहर निकाल देते हैं और रेसा को कपड़े में बांध के हम टोफू प्रेस हमारे पास है जिसमें टोफू प्रेस के साथ प्रेस करते हैं 10-10 मिनट में, उसको 30 मिनट में हम खोल लेते हैं।
खोलने के बाद उसको हम पानी में ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं। फिर उसमें से निकाल के हम अगर स्टोर रखना हो तो फ्रिज के अंदर रख देते हैं या फिर हम ताजा ताजा माल कस्टमर को दे देते हैं। मैं मैस चलाता हूँ इंजीनियरिंग कॉलेज में। मैस के अंदर हम पनीर यूज करते हैं, सोया पनीर, और पनीर का आइटम बनाते हैं हम, पनीर पराठा है, चिल्ली पनीर है, मटर पनीर है, शाही पनीर है, ये सारी चीजें बनाते हैं। और ये पनीर जो हम ले जाते हैं हमारे सामने ही बनता है और कोई मिलावट होता नहीं है इसमें, और बच्चे सब खूब पसंद करते हैं। यहाँ से मैं सोया पनीर खरीदता हूँ, 100 से 150 किलो पनीर हमारा डेली का लगता है। और यहाँ पनीर मैं इसे खरीदता हूँ, पहले बाहर से खरीदता था तो मुझे कंप्लेन आती थी, लेकिन जब से 5 साल हो गया यहाँ से खरीदते हुए कोई कंप्लेन नहीं आई, बच्चे पसंद करते हैं। टोफू पनीर का जायका अब जबानों पर चढ़ने लगा है। पर क्या टोफू पनीर भी उतना ही पौष्टिक है जितना कि सामान्य डेयरी वाला पनीर? सोयाबीन में 40% प्रोटीन और 20% तेल की मात्रा होती है। सोयाबीन का पनीर है उसमें जो गाय भैंस का दूध है उसके बजाय शुगर की मात्रा कम होती है और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नील होती है। इसके साथ साथ फैट भी कम होता है। इसकी जो प्रोटीन की गुणवत्ता है वो बहुत अच्छी होती है और इसमें कुछ मिनरल्स, आवश्यक अमीनो एसिड्स और विटामिन सी पाए जाते हैं, तो ये जो डायबिटिक और हार्ट पेशेंट हैं इनके लिए ये काफी लाभदायक होता है। कृषि विश्वविद्यालय कोटा RKVI योजना के तहत विभिन्न किसानों को उन्नत किस्म के बीज प्रोवाइड कराता है। इन किस्मों में कीट एवं बीमारियां कम लगती हैं तथा अच्छा उत्पादन मिलता है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत KVK कोटा में चलाए जा रहे इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ने विक्रम सिंह जैसे किसानों को एग्रोप्रेन्योर में बदल दिया। कभी रोजगार की तलाश में रहे विक्रम सिंह आज खुद रोजगार देने वाले बन गए हैं। आज मेरे पास मेरे प्लांट में 4 वर्कर भी काम करते हैं जो मेरे ही किसान भाई के बेटे हैं, जिनको मैंने रोजगार दे रखा है। आज हम अच्छा और अच्छा बेस्ट क्वालिटी का सोया पनीर बना के बेच रहे हैं। 150 से 200 किलो सोया पनीर हमारा बिक जाता है रोज डेली। अच्छा पैसा मुनाफा कमा लेता हूँ, 60-80 हजार रूपए, जिससे मेरा जीवन यापन अच्छा चल रहा है। जैसे हमारा सोयाबीन का प्लांट आया है तब से प्रॉफिट भी अच्छा चल रहा है और आमदनी भी अच्छी है। और 15 लाख हमने मकान ले लिया और ऊपर रहने के लिए 5 लाख का बना लिया और बच्चे हमारे तीनों इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं। मुझे सोच भी नहीं सकता था कि मैं सोया पनीर में इतना आगे बढ़ सकता हूँ। आज भी मेरा सपना है कि मैं इसको और बड़ा करूँ, आगे और बढ़े। कोटा के विक्रम सिंह हाडा एक मिसाल है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत किसानों की आमदनी दुगनी करने का काम अब रफ्तार पर है। खेतों में उगी मुस्कान को तकनीक और कौशल विकास के जरिए समृद्धि में बदलना, कृषि क्रांति इसी को तो कहते हैं।